आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर वी यूट्यूब चैनल में। और आज के इस कमाल की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँ कुछ कमाल की टेक न्यूज। तो मेरा नाम है भानु प्रताप और वी न्यूज देख रहे हैं आप। Xiaomi की तरफ से, Xiaomi के आज मतलब जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था 99% श्योर थे हम नोट 5 और नोट 5 प्लस होंगे या प्रो। आपको मतलब प्रो के बारे में तो खैर कल ही पता चला था और सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह तो कल लीक हो ही गई थी यार लॉन्च से पहले। तो मतलब क्या इतनी एक्साइटमेंट थी नहीं यार यहाँ पे लॉन्च इवेंट की। खैर मतलब ओवरऑल बात की जाए तो फोन बहुत बेहतरीन है यहाँ पर। मतलब आप 10,000 से लेकर 70,000 तक जा सकते हैं और यहाँ पर मतलब ओवरऑल आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। शाओमी मतलब हर बार बजट सेगमेंट में तो कमाल कर ही देता है। थोड़ी अगली न्यूज़ आती है वो आती है नोकिया की तरफ से। तो शायद एक मतलब कुछ फोटोज लीक हुई हैं जिसके अकॉर्डिंग मतलब इस फोटो में जो है नोकिया को कोई ऑफिशियल एम्प्लॉई है जिन जो कि फिलहाल कोई नोकिया का फोन यूज़ कर रहे हैं। ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि ये शायद नोकिया 9 या नोकिया 7 प्लस है। और कुछ स्पेसिफिकेशंस के लीक्स के बाद जो है कुछ बात को जैसे कि ये आपको शायद मतलब मिल सकता है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 में देखने को। और की अनाउंसमेंट शायद मोस्ट ऑफ द केसेस शायद ये ऐसा हो सकता है कि नोकिया 9 हो। तो यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। यहाँ शायद आपको अगर एक्सपेक्ट आइडिया है कि 5.5 इंच की 18:9 स्क्रीन देखने को मिलती है। यहाँ पर बैटरी लाइफ पता नहीं किस तरीके से लीक हो गई लेकिन बैटरी लाइफ आपको 3250 mAh की मिलने वाली है। बैक में जो है वर्टिकल डुअल रियर कैमरा सेटअप है और मतलब ग्लास जो है ग्लास फिनिश है यहाँ पर। मतलब 18:9 का एक्सपेक्ट रेशियो आपको देखने को मिलता है। बाकी यार मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में पता चली जाएगा यहाँ पर बहुत सारे डिवाइस हैं जो कि नोकिया शायद शोकेस कर सकता है। नोकिया 9 है, नोकिया 1 है और यहाँ पर नोकिया 3310 है। यहाँ पर 4G वेरियंट उसका नोकिया 3310 का बहुत कुछ यहाँ पर अनवील होना बाकी है। और अप्रैल में तो बाकी सब चीज़ें आपके हाथ में आ ही जाएंगी। तो फ्रेंड जो अगली न्यूज आती है वो आती है ARM यानी ARM के प्रोसेसर्स को लेकर। तो ARM जो है उसका एक नया प्रोजेक्ट जो कि है ट्रिलियम प्रोजेक्ट है वो अनाउंस हो गया है, ऑफिशियल हो गया है। और इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट के अंडर आपको जो है कुछ प्रोसेसर चिप्स देखने को मिलने वाली जो है ARM ML और ARM OT चिप्स। और खास बात इन चिप्स की ये है कि ये सारी जो दोनों चिप्स हैं वो सारी चिप्स इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर मशीन लर्निंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन वाली सारी बहुत बेहतरीन खूबियों के साथ ये प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ARM की ML जो प्रोसेसर है वो डेफिनेटली डेडिकेटेड है मशीन लर्निंग के लिए और ये प्रोसेसर बहुत कमाल करेंगे यहाँ पर मशीन लर्निंग में। और बाकी यहाँ पर जो ARM OT प्रोसेसर्स हैं वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। यहाँ पर डेडिकेशन इसी के लिए दी गई यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या फ़ोन में फंक्शंस मिलेंगे वो सब यहाँ पर इस प्रोसेसर से होगा। तो डेफिनेटली देखने वाली बात ये है यदि आते कब तक है यहाँ पर मतलब अभी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है यहाँ पर स्मार्टफोन्स में या फिर किसी भी चीज़ में ये प्रोसेसर कब तक देखने को मिलेगा इस बारे में कुछ पता नहीं है। थोड़ी और जल्दी न्यूज आती है वो आती है BSNL की तरफ से। तो BSNL का 999 रुपए का एक प्रीपेड प्लान जो है वो देखने को मिलता है जिसके अकॉर्डिंग अगर आप इस 999 रुपए का रिचार्ज कराते तो आपको एक साल तक 1 GB पर डे का डेटा देखने को मिलता है, यूज करने को मिलता है। और यहाँ पर मतलब 6 महीने के लिए वॉइस कॉल्स मिलती हैं फ्री, यहाँ पर STD और रूमिंग चार्जेस भी फ्री हैं। और ये मतलब पूरे इंडिया में है, सिर्फ जम्मू कश्मीर नेपाल और आसाम को छोड़ के पूरे इंडिया में आप कहीं भी इस प्लान को ले सकते हैं। तो जो अगली न्यूज़ है वो आती है मोटोरोला के Moto G6 सीरीज को लेकर। तो यहाँ पर जो कुछ फोन है जो भी है G6 G6 प्लस और G6 प्ले तो ये ऐसी एक्सपेक्टेशन है लीक्स के अकॉर्डिंग ये फोन्स आपको देखने को मिलने वाले हैं 18:9 के एक्सपेक्ट रेशियो के साथ। तो मतलब सभी फोन्स यहाँ पर स्विच कर चुके हैं 18:9 के एक्सपेक्ट रेशियो के साथ। यहाँ पर नोकिया भी खबर ला चुका है यहाँ पर 18:9 के एक्सपेक्ट रेशियो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मोटोरोला आ चुका है, यहाँ पर मतलब आप देखने वाली बात ये लिनोवो वगैरह कब तक 18:9 पे पहुंचेंगे। बाकी यार फोन 18:9 में भी अच्छे लगते हैं, मतलब 16:9 काफी पुरानी बात सी लगती है, वैसे 18:9 ही बहुत बढ़िया लगता है। तो अगली न्यूज वो आती है ऑनर के ऑनर 9 लाइट को लेके। तो यहाँ पर जो फोन है वो फ्लिपकार्ट पर गया था सेल पर और भाई साहब यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि 6 मिनट के अंदर अंदर ये हो गया सोल्ड आउट यानी स्टॉक्स इसके खत्म हुआ है। तो मतलब आप देख सकते हैं इसकी डिमांड कितनी थी, 15,000 में जो फोन है वो बहुत बेहतरीन है।
डेफिनेटली यार बहुत बेहतरीन फोन है, तो यहाँ पर मतलब इस तरीके से चुटकियों में चला जाना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी जल्दी न्यूज है वो आती है सैमसंग गैलेक्सी एस 9 को लेकर, तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे पहले से एक्सपेक्टेशन की थी आपको, जो नोकिया मतलब सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 है उसमें शायद आपको अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर या जिसे आप अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर बोलते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो है फ्रेश लीक्स के अकॉर्डिंग बात कुछ ऐसी है कि सैमसंग जो है अभी इतना कैपेबल नहीं है, मतलब कैपेबल क्या यहाँ पर इतना जल्दी तैयार करने के लिए कैपेबल नहीं है, यहाँ पर मतलब चीज़ों में चल रही है, यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह तैयार किया जा रहा है अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर को, तो यहाँ पर मतलब इतनी जल्दी तैयार नहीं कर पाया जाएगा उसे कि जब जो नोकिया आपको नोट 9 में देखने को मिल जाए। शायद आगे कब देखने को मिले कुछ पता नहीं है, यहाँ पर मतलब एस सीरीज भी खत्म होने वाली है, शायद उसका नाम नोकिया एक्स सीरीज या कुछ ऐसा रखा जाएगा। एस सीरीज तो एस 9 के बाद आपको एस 10 देखने को नहीं मिलने वाला है, कोई और फोन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की कुछ कमाल की टेक न्यूज, आई होप आपको इस टेक न्यूज में मजा आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको लगा हो कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको बताया है, कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी से आपको अवगत कराया है, तो डेफिनेटली यार आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें बिना चैनल पर मत जाइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो और ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो आपको मिस नहीं करनी चाहिए तो डेफिनेटली आप जाके उसके बराबर के लिए बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिस दबाने से हो गई जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। बस मिस भी मत किया करिए क्योंकि मैं आपके लिए डेली टेक न्यूज और टेक रिलेटेड वीडियोस 2 वीडियोस डेली अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर। बस आज की वीडियो बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।